क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद और फॉलो किया जाने वाला खेल है। हम में से ज्यादातर लोग क्रिकेट मैच का आनंद लेना पसंद करते हैं। जितना कि यह बल्ले और गेंद का खेल है, उतना ही खिलाड़ी और प्रशंसकों के बीच इमोशनल का। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट दुनिया के टॉप 10 मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग क्रिकेट मोमेंट्स ऑफ द डिकेड, यानी कि दशक के 10 सबसे दिल तोड़ने वाले क्रिकेट क्षण के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हैं एक क्रिकेट फैन तो आज की ये वीडियो आपको इमोशनल कर देगी, इसलिए अपने टीयर्स को बचा के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, धोनी को आउट करने के लिए गुप्टिल का थ्रो और भारतीय प्रशंसकों का दिल टूटना। रन चेज के दौरान भारतीय प्रशंसकों को कुछ राहत मिली। जब MS धोनी और रविंद्र जडेजा क्रीज के बीच में थे, ऐसा लग रहा था कि अपने शीर्ष क्रम के विफलता के बाद भी वे फाइनल में पहुंचने के कगार पर हैं। लेकिन जडेजा के आउट होते ही चीजें न्यूजीलैंड के पक्ष में होने लगी। MS धोनी ने 49वें ओवर में एक छक्का जड़ दिया, जिसने प्रशंसकों को अपनी सीटों के किनारे पर आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मार्टिन गप्टिल की स्क्वायर लेग से एक डायरेक्ट हिट भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के सपनों को चूर चूर कर दिया। पूर्व भारतीय कप्तान के आंखों से आंसू बह निकले और दुख इस बात का है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संभावित रूप से उनका अंतिम खेल हो सकता है। नंबर 9, ब्रैथवेट की खुशी और स्टोक्स की नाराजगी। वर्ल्ड T20 फाइनल 2016 में T20 का ताज जीतने के लिए समीकरण नीचे था। इंग्लैंड ने क्रिस जॉर्डन को सबसे महत्वपूर्ण 19वां ओवर सौंपा और उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए, जिससे बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे अच्छा मौका मिला। लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट के कुछ और ही विचार थे। स्टोक्स अंतिम ओवर के लिए स्टीम करते हुए आए, फाइन लेग क्षेत्र की ओर एक छक्का जड़कर भाग गए। अगले एक लंबे समय तक सीमा पर गेंद ने उड़ान भरी। कई लोग कैरिबियाई ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट की प्रतिभा को निहारते रहे, लेकिन वही इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स काफी दर्द से गुजर रहे थे। नंबर 8, सैंडपेपर गेट और इसके नतीजे। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने खुद को विवाद में डालकर क्रिकेट जगत को हिला दिया। पहले कुछ दिनों में क्रिकेट प्रशंसकों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तीनों खिलाड़ियों को खेल का स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाद में प्रशंसकों ने चारों ओर आना शुरू कर दिया और खिलाड़ियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। जब वार्नर और स्मिथ प्रेस से बात करते हुए टूट गए, एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई जब कुछ पुलिस कर्मियों ने केप टाउन हवाई अड्डे में स्टीव स्मिथ को एक अपराधी की तरह घसीटा, जिसके वीडियो वायरल भी हुए थे। बता दें कि यह विवाद पिछले एक दशक में क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा विवाद था। क्रिकेट फैन ने इन दोनों जेंटलमैन के खेल में वापस आने का बेसब्री से इंतजार किया और उन्होंने एशेज 2019 और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप में आने के संकेत दे दिए। नंबर 7, टाइगर का छोटा सपना। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप फाइनल 2012। बांग्लादेश ने 2012 एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका और भारत के अन्य प्रबल दावेदारों को हराया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने घर की मिट्टी पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया और एक सुनहरे युग ने इसकी शुरुआत की। ग्रुप स्टेज में उन्हें हराने वाली एकमात्र टीम पाकिस्तान थी, जो फाइनल में उनके विरोधी थे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और शाहिद अफरीदी, हम्माद आजम और सरफराज के आदेश पर कुछ अच्छे योगदान दिए। उन्होंने बोल्ड पर 36 रनों का सम्मानजनक स्कोर किया। तमीम इकबाल और साकिब अल हसन के अर्धशतकों ने उन्हें टाई में आगे रखा, लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी विकेट के साथ चीजों को वापस खींच लिया। फाइनल खेल की अंतिम गेंद पर गया, जिसमें टाइगर्स को अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वे 2 रन पीछे रह गए थे। उनके सभी खिलाड़ियों सहित पूरे देश में आंसू बह निकले और यह एक ऐसा नजारा था जिसने दुनिया भर के अधिकांश प्रशंसकों के दिलों को पिघला दिया। नंबर 6, संगकारा स्माइल इन द बैकग्राउंड, इंडिया vs श्रीलंका 2011 वर्ल्ड कप फाइनल।
धोनी और गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया, भीड़ में एक शानदार स्ट्राइक की। भारत ने 28 साल बाद विश्व कप जीता। ड्रेसिंग रूम में पार्टी शुरू हुई। ये लाइनें भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए डग जाएगी, लेकिन उसी समय ये पंक्तियां लंका के प्रशंसकों को हमेशा के लिए परेशान कर देगी। उन्होंने फाइनल को दिलचस्प बनाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन ट्रॉफी उनके रास्ते में नहीं आई। एक बार जब धोनी ने विजय रन मारा और युवराज सिंह के साथ जश्न मना रहे थे, तो बैकग्राउंड में एक व्यक्ति था, श्रीलंकाई कप्तान संगकारा, बस मुस्कुराते हुए। जेंटलमैन का सपना एक बार फिर अंतिम बाधा में टूट गया, लेकिन उनके लिए एक मुस्कुराहट के साथ हार स्वीकार करने की उदारता सभी प्रशंसकों के आंखों से आंसू छोड़। नंबर 5, द प्रोटियाज पियर्स, साउथ अफ्रीका वीएस न्यूजीलैंड 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सबसे दिल दहला देने वाला क्रिकेट मैच 2015 विश्व कप हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ हॉर्न बजाई। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 281 रन बनाए। हाफ डु प्लेसिस, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर की कुछ अपमानजनक बल्लेबाजी, ब्रेंडन मैकुलम ने उन्हें रन चेज में शानदार शुरुआत दी, और कुछ जल्दी विकेट गंवाने के बावजूद ग्रांट इलियट और कोरी एंडरसन की साझेदारी ने उन्हें खेल में जिंदा रखा। चीजें अंतिम ओवर तक चली गई, जहां डेनियल विटोरी ने डेल स्टेन की एक गेंद पर चौका लगाया और ग्रांट इलियट को स्ट्राइक दी, जिसमें 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। इलियट ने गेंद को स्टैंड में जमा किया और न्यूजीलैंड को विश्व कप में अपनी सबसे यादगार जीत दिलाई। लेकिन उस दिन दक्षिण अफ्रीका का हर खिलाड़ी आंसू बहा रहा था, उनकी भावनाएं दुनिया भर में बहुत सारे प्रशंसकों के साथ प्रतिध्वनित। नंबर 4, एक कंट्रोवर्शियल फाइनल विथ ए हार्ट ब्रेकिंग फिनिश, 2019 इंग्लैंड वीएस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल। कोई भी टीम इस तरह से विश्व कप फाइनल नहीं जीतना चाहती थी, लेकिन नियति ने इंग्लैंड के लिए इसे इस तरह जीतने के लिए लिखा था। कोई निश्चित रूप से यह कहते हुए बहस कर सकता है कि दोनों पक्षों को ट्रॉफी शेयर करनी चाहिए, लेकिन दोनों छोर से इरादा स्पष्ट था, कोई भी यहां तक आने के बाद कुछ शेयर नहीं करना चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप एक कंट्रोवर्शियल सुपर ओवर टाई हुआ, जिसमें देखा गया कि इंग्लैंड ने 51 ओवर बल्लेबाजी करते हुए लिमिट काउंट पे विजयी हुए। बहुत सारे प्रशंसक चाहते थे कि न्यूजीलैंड ट्रॉफी जीते, लेकिन कीवी को इस तरह हारते हुए देखना वाकई दिल दहला देने वाला था। नंबर 3, एक युग का अंत, सचिन तेंदुलकर। 10 अक्टूबर 2013 को सचिन तेंदुलकर ने घोषणा की, वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी श्रृंखला भारतीय रंगों में उनका अंतिम असाइनमेंट होगी। आने वाला एक महीना उनके सभी प्रशंसकों के लिए दुखद था। 15 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर ने एक अर्धशतक बनाया और अपने करियर में अंतिम बार आउट हुए। अगले दिन भारत ने एक थोड़े अंतर से टेस्ट जीता। इस तरह से शायद अब तक के सबसे महान क्रिकेटिंग करियर पर्दे पर आ गया। तब से सचिन तेंदुलकर इतिहास के हिस्सा थे और इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था। मैच के बाद सचिन के भाषण ने सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस यात्रा में उनका समर्थन किया, और लगभग 17 मिनट तक चले और पूरे देश को रोने दिया। यह शायद अब तक दिए गए सबसे बड़े विदाई भाषणों में से एक था। नंबर 2, 2017 पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी। 18 जून पाकिस्तान ने चैंपियनशिप ट्रॉफी में आखिरी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। हर पीढ़ी की सबसे अप्रत्याशित टीम किसी तरह लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ फाइनल का स्थान जीतने का प्रबंधन करती है। एक भारतीय पाकिस्तान की प्रतियोगिता को हमेशा सभी लड़ाइयों की मां के रूप में जाना जाता है, और अगर इसका टूर्नामेंट फाइनल होता है तो इसका मजा क्रिकेट फैंस के लिए दुगुना हो जाता है। उस दिन टॉस को छोड़कर सब कुछ पाकिस्तान के पक्ष में चले गया। फखर जमान ने बुमराह की एक गेंद पर कीपर को एक गेंद फेंकी, जब वह सिर्फ 3 रन
पर थे, पर यह पाया गया कि यह बॉल नो बॉल थी। भाग्य पर भरोसा करते हुए फखर जमा ने पूरे पार्क में भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। उन्होंने 114 रन बनाए और पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़े, जिसने पाकिस्तान के लिए खेल खड़ा किया। 339 का पीछा करते हुए भारत का शीर्ष क्रम मोहम्मद आमिर द्वारा पटरी से उतर गया। उन्होंने मात्र 4 ओवर के अंतराल में टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजी लाइन के शीर्ष बल्लेबाजों को चुना, जिसमें रोहित, कोहली, धवन ड्रेसिंग रूम में सिर्फ 33 के स्कोर में थे। मैच उम्मीद से बहुत पहले ही खत्म हो गया। क्वालिफाई करने वाली आखिरी टीम होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता। नंबर 1, एक बाउंसर जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया, फिलिप ह्यूज। 25 नवंबर 2014 को फिलिप ह्यूज एक सीन एवर्ट की डिलीवरी से बाउंस को पढ़ने में विफल रहे और फुल शॉट खेलने के उनके असफल प्रयास ने देखा कि गेंद उनकी गर्दन पर लगी। वह अगले कुछ सेकंड में झुलसा गए और उन्हें सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद चोट के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया और अपनी अंतिम सांस ली। इस घटना ने उनके सभी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथियों, विशेष रूप से कप्तान माइकल क्लार्क पर गंभीर प्रभाव डाला। अपनी नमनेस देते हुए क्लार्क एक तरह से टूट गए, जैसा कि उन्होंने एक अंतिम समय के लिए अपने कॉफिन को बाहर किया, जिसमें एरोन फिंच और कई क्रिकेटर दोस्त शामिल थे। क्रिकेट जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे निराशा न